हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम क्लास 12 का सिलेबस कर रहे हैं फिजिक्स का, उसका थर्ड चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे और कंडक्टिविटी का भी, किसकी टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आपको बताऊंगा क्या होता है, स्मॉल एन से लिखेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम जो कि हमने डिस्कस किया था जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था। तो इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। दूसरा कि जो ओम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में वो क्या होता है, और साथ ही साथ उसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि करंट डेंसिटी जे क्या होता है। तो आप देखिए यदि आपने दोनों वीडियोस वो नहीं देखे हैं तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम क्या डिराइव करेंगे करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन भी हम ड्राइव करेंगे, साथ साथ काम होंगे दोनों। तो किस तरह से प्रोसीड करते हैं देखिए। तो हमने देखा ना, देखिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। तो क्या वी डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एन। फिर मैं एक बार सिंबल समझा देता हूं, देखिए सारा ये क्या है। हमारे पास एक हमने कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है कैपिटल वी, जिससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक तरह से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे किधर एक्सीलरेट होंगे, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाया था तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। हमेशा आपको याद रखना, उस वीडियो में मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सीलरेट होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज हम यदि आपको मोशन कंसीडर करनी हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो क्या होते हैं, एक्सीलरेट होते हैं। लेकिन हम मोशन किसकी मानते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन की मानते हैं, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है जिससे इनर्शिया बहुत ही कम होता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस मैं फिर एक बार सिंबल समझा रहा हूं, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो क्या है, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है तो बहुत सारी वो कोलिजन्स करता है, तो दो सक्सेसिव, दो कंटिन्यूअस कोलिजन के अंदर जो एवरेज टाइम उसको लगता है वो है टो, जिसको क्या नाम दिया था हमने, रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखिए, देखो यहां पर कि अब करंट का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए तो करंट का फॉर्मूला कैसे अब आएगा, अब इसको हम प्रोसीड करते हैं देखिए आगे। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, देखिए करंट क्या होता है, देखिए करंट स्मॉल आई जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज कौन सा निकालना है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज के होंगे लेकिन वो रेस्ट में होंगे, उनको हमें, उनसे हमें यहां मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उन्हीं चार्जेस से मतलब है जो करंट हमें दे रहे हैं। तो अब देखिए कैसे हम इस चार्ज को निकालें। तो इस चार्ज को निकालने के लिए पहले आपको ये पता चल जाए किसी तरह से कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप निकाल पाएंगे। मैं बताता हूं कैसे निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए क्या हम टर्म यूज करते हैं, ऐसे मानते हैं जैसे आपने छोटी क्लास में यूज किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वी वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम जो मान लीजिए वी है एक बार, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मान लीजिए कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, देखिए कैपिटल वी वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, ये क्या आएगा आपके पास, ये जो आएगा इसी को क्या नाम देते हैं, स्मॉल एन। और स्मॉल एन ही क्या कहलाता है, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दीजिए, स्मॉल एन को मैं लिख दूंगा इधर, हियर स्मॉल एन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप ऐसा कह सकते हैं, और आप क्या कह सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आप देखिए डेंसिटी का भी सिंपल मतलब क्या होता है कि सामने वाली साइड में आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या निकला कि वी वॉल्यूम में इतने थे, यूनिट वॉल्यूम में इतने, आपके पास वॉल्यूम है कितना,
यहाँ कितना वॉल्यूम बनेगा देखिए इसका एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि आप हमेशा सिलेंडर का वॉल्यूम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर एल, तो ये क्या होता है एक तरह से एरिया, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बनता है। तो आप क्या लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एल वॉल्यूम, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल, तो ये आपको पता चलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मोशन कर रहे हैं, उन्हीं से हमें मतलब है, यानी चार्ज कैरियर से चार्ज को कैरी कर रहे हैं वो ले जा रहे हैं। तो अब आप क्या लिख देंगे देखिए ये हम लिख ही चुके हैं स्मॉल एन को समझा चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए, आप लिख देंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है स्मॉल ई, और आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो आप क्या लिख देंगे चार्ज ऑन एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स, इतना में कितना चार्ज आएगा वही आपको एक का पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ई, तो एन ए एल पर कितना आ जाएगा चार्ज एन ए एल ई, ये चार्ज आपके पास टोटल आ जाएगा जिसको हम क्या नाम देते थे क्यू, क्योंकि क्यू हम चार्ज ले चुके हैं, तो क्यू चार्ज आपके। अब आपको इस अप्रोच से ये पता चल गया कि टोटल जो चार्ज कैरियर है वो कितने थे एन एल, चार्ज कैरियर मीन्स यहां मैंने बारे में बताया आपको इलेक्ट्रॉन जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, और उन चार्ज कैरियर्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया एन ए एल ई, तो क्या लिख देते हैं सो बाय इक्वेशन टू कितना आएगा देखिए यहां से आई याद है एन ए एल ई अपॉन टी, क्यू को हमने क्या रख दिया एन ए एल ई। अब आप देखिए देखो यहां से कि जो एल अपॉन टी क्या बन जाएगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एल, मान लीजिए उसको कितना टाइम लग रहा है टी, क्योंकि वही तो माना हमारा कि करंट जो फ्लो हो रही है चार्ज अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बना यहां से वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को ही हम क्या नाम दे रहे हैं यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एल अपॉन टी क्या हो गया यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडीई, तो यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। तो आप क्या एक्सप्लेन कर देंगे यहां से कि जो वीडी है क्या है यहां पर एल अपॉन टी, तो ये हमारा एक काम क्या हो गया इसे साथ साथ कि जो हमारा करंट के अंदर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन है वो भी हमारा फॉर्मूला यहां से डिराइव हो गया। तो ये देखिए देखो अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, और ये जो मेन हेडिंग है इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इतना काम हमारा हो चुका है रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, अब क्या करेंगे देखिए अब हम आई अपॉन ए कितना लिख देते हैं वहां से बता दीजिए एन वीडीई, यहां एरिया को मैंने इधर डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया देखिए जे इज इक्वल टू, क्योंकि ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं कि करंट अपॉन एरिया क्या है करंट डेंसिटी, तो एन वीडीई जे हो गया एन वीडीई इक्वेशन नंबर फोर। तो ये भी आप देखिए देखो ये किस किस में रिलेशन हो गया जे में और बीडी में, ये किस किस में रिलेशन था आई में और बीडी में, तो ये दोनों काम हमारे हो चुके हैं क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब आप इसके बाद क्या करने वाले देखिए, अब हम बीडी की वैल्यू जो मैंने अभी इक्वेशन वन में लिखी थी यहां वो लिख देते हैं यहां पर बाई इक्वेशन वन एंड फोर, बीडी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जे कितना है एन वीडी कितना था ई टो, आप अभी देख सकते हैं अभी जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा था और फॉर्मूला ये हम ड्राइव भी कर चुके हैं, तो वीडी की वैल्यू हमने इक्वेशन वन से फोर पे पुट कर दी तो कितना आ जाएगा देखिए आप यहां से। अब देखिए मैं इस ई को आगे लिख देता हूं, अभी आपको रीजन समझाऊंगा और बाकी सारी चीजें यहां लिख देता हूं एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एन, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास फाइव। तो ये क्या बन गया देखिए ये सारा जो ब्रैकेट है कौन सी क्वांटिटी बनेगा आप याद कीजिए, क्या याद कीजिए इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा था तो जे कितना आया था सिग्मा ई, वहां वेक्टर लगे हुए थे वो ठीक है, बट अब इसी वजह से लिखे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई मैग्नीट्यूड लेकर, तो ई के साथ जो भी है जैसे ये मान लीजिए आपको कहते जे इज इक्वल टू हंड्रेड ई, तो यहां जो भी चीज इस ई के साथ है इसका मतलब वो क्या है क्या चीज होगी वो सिग्मा कंडक्टिविटी, तो आप क्या लिख देंगे J इज इक्वल टू सिग्मा E इक्वेशन नंबर सिक्स, और आप क्या लिख देंगे हियर सिग्मा इज इक्वल टू
क्या है ये एन ई स्क्वायर टू अपॉन एन इज कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे ड्राइव हो गया इन टर्म्स ऑफ, वही तो करना था हमें कि जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का भी करेंगे आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टू। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो समझते हैं आप, जे के साथ आपको ये लिख दे कोई एक्स वाई जेड ई ऐसे, तो इसको एक्स वाई जेड जो भी है वो इसका मतलब सिग्मा है, वो कंडक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें तो समझाने के लिए थी, आपको इधर वाला ये लिखते रहना है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जैसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे चाहे ऐसा कहे रिलेशन बिटवीन आई एंड बी डी, रिलेशन बिटवीन जे एंड बी डी, या जो सिग्मा का फॉर्मूला, ऐसे और भी ज्यादा पूछते हैं सिग्मा का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम और जो नंबर डेंसिटी है उसकी टर्म्स में डिराइव कीजिए, तो ऐसे आपको डिराइव करना है। ये फॉर्मूला हम आगे भी यूज करेंगे जब ये बताएंगे कि जो सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है और कंडक्टर है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम काम में लेंगे। तो क्योंकि सारा जुड़ा हुआ है तो आप साथ साथ पढ़िए सभी। अब देखिए, देखो हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है बताइए, रेजिस्टिविटी आप सब जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा भी था कंडक्टिविटी का रेसी, दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, बाय इक्वेशंस 7 and 8 जब आप वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा की तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर आपके पास 9। तो ये देखिए, देखो आप इस तरह से कि किस तरह, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा का फॉर्मूला ऐसे पूछते हैं इनकी टर्म्स में रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी टर्म्स में, या आपसे रो का फॉर्मूला पूछते हैं इस तरह से, तो ये आप अच्छी तरह से इसको करेंगे। और एक ही चीज और देखिए, देखो आप यहां से साथ ही साथ आप जानते हैं कि R क्या होता है, देखिए रो L अपॉन A, तो रो कितना होता है R A अपॉन L, ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। या आप पहले से जानते हैं कि हमने जब पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ एरिया किन किन फैक्टर, तो सारी चीज वहां डिस्कस की हमने। तो क्या है, देखिए आप इक्वेशन 9 और 10 को, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए 9 and 10, तो कितना आएगा देखिए आप यहां से, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। तो आर क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस यहां से, एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू इंटू ए, आ जाएगी इक्वेशन नंबर 11। तो ये रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आपके पास आ गया किसकी टर्म्स में, एन और टो की टर्म्स में। तो ये आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से आप इस टॉपिक को करेंगे। तो अभी भी आपको कोई डाउट इस टॉपिक में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।